So एक last question. How artistic mind sees things differently in normal world? Is it really the perception or opinion जो अलग चीजों को देखने पे मजबूर करता है या फिर ये inbuilt होता है? ये तो यार मतलब बड़ा खतरनाक लेवल का सवाल पूछ लिया तूने। क्या पूछा कि मतलब आर्टिस्टिक माइंड जो होता है हम एक चीज को बहुत अलग लेवल पे देखते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें सब कभी टीवी डिस्कशन होती है तो हम कहीं से कहीं ले जाते, लाइक जो हमने शॉर्ट मूवीज बनाई थी, दो बनाई थी शॉर्ट फिल्म, ठीक है, वो भी कि वहां पे हमने क्या से क्या ले गए चीजों को सोचने का एक तरीका, तो वो एक नॉर्मल वर्ल्ड में कैसे दिख पाता है? ये परसेप्शन होता है, ओपिनियन होता है, या क्या इनबिल्ट होता है इंसान के अंदर, या फिर अलग ही कुछ होता है? यार देख, पहले तो ना आर्टिस्ट जो डेफिनेशन है ना, पहले आर्टिस्ट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करता है। आर्टिस्ट होता क्या है? एक होती है आर्ट, एक होता है आर्टिस्ट, आर्ट को बनाने वाला आर्टिस्ट होता है। बड़े सिंपल है, तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है? रोल भी चल रहा है, ये मीम भी चल रहा है काफी। अच्छा अच्छा वो आर्ट आर्टिस्ट वाला, दिस इज भाई बड़ा गाना। हाँ, तो आर्टिस्ट का क्या रहता है ना कि कुछ ना कुछ क्रिएट करने की एक अर्ज रहती है अंदर से, क्योंकि ज्यादातरों को देखेंगे ना कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की इच्छा हर किसी के अंदर होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको कि वो एक्सप्रेस करने के आउटलेट्स अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पेंटिंग करता है, कोई लिखता है, कोई फोटोग्राफी करता है, कोई गाता है, म्यूजिक बनाता है, कुछ लोगों को ये आउटलेट्स मिल जाते हैं अलग अलग कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। और ये मैं मानता हूँ कि हर किसी के अंदर इच्छा होती है यार, कोई ये मैं कह ही नहीं सकता कि किसी के अंदर ना इच्छा हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहे कि नहीं है उसके अंदर ये इच्छा, सबके अंदर रहती है। हर कोई चाहता है कि उसको उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात को समझा जाए, और उसको जो वो अंदर से चाह रहा है या जो जैसे वो देखता है चीजों को, वो अपना नजरिया लोगों के साथ में शेयर कर सके, ठीक है ना। हर कोई चाहता है, कुछ लोगों को वो जरिए मिल जाते वो आर्टिस्ट कहलाते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते, वो जिंदगी के उसी ढर्रे में घुस जाते हैं और वैसे ही लाइफ जीते हैं जैसे कि जैसे कहते हैं ना कि एक वेल सेटल्ड वेल प्लान लाइफ होती है, भाई ये करना है ये करना है, स्कूल कॉलेज जॉब ये, तो वो सेट पैटर्न में एंट्री आपने टेम्पलेट एक चुन लिया, उसमें जाना है, फिर आप एक्सप्रेशन सेल्फ एक्सप्रेशन तो भूल ही जाओ। ये सवाल मुझसे आर्ट एमोर वाले इंटरव्यू में भी लिखा हुआ था वहां पे कि आप आर्ट को कैसे देखते हो, कि मतलब सेल्फ कैसे अपने आप को एक्सप्रेशन होता है आर्टिस्ट लोगों का, तो मैंने वहां पे भी यही जवाब दिया कि एक आर्टिस्ट ट्रू अपने आप से तभी रह पाएगा जब वो अपने अंदर के जो उसके अंदर जो हिंदी में एक वर्ड होता है कौतूहल, कौतूहल ही होता है ना, क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी, अंग्रेजी में मतलब क्यूरियोसिटी, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी आपने जिंदा रखी है और फिर आप जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप कर पा रहे हो अपने आप को एक्सप्रेस सही तरीके से, ठीक है। तो आप फिर अलग अलग मीडियम्स ढूंढते हो, अलग अलग मीडियम्स ढूंढते हो आपके, जैसे कि अब मैं मान ले एक नाइव बंदा हूँ कि मेरे को मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेरे को सडनली मैंने देखा कि यार अपने देश में ना पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है यार, बहुत कुछ, हाँ कौतूहल हो सकता, हाँ उत्सुकता वही होता है, सही बोल रहा था मैं, क्यूरियोसिटी, लाइक सुजाता शर्मा के लिए धन्यवाद। तो अब जैसे कि मान ले मैं एक नाइव बंदा हूँ, मुझे मैं आर्टिस्ट वगैरह कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं अपने आप को, तो मैंने सडनली देखा कि यार मेरे अराउंड कुछ चीजें चल रही, पॉलिटिक्स में कुछ चल रहा है, कुछ कहा जा रहा है, कुछ सुना जा रहा है, लड़ाइयां चल रही है या लोग एक तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, अब मेरे को पता है कि मैं उस चीज को कैसे देख रहा हूँ, मैं उसे शेयर करना चाहता हूँ, या मैं कुछ फील कर रहा हूँ किसी चीज के बारे में। मैं कहीं पहाड़ों में घूमने गया, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पहाड़ों में घूमने गया, मैं कहीं पे लेंसडाउन गया, मैं लेंसडाउन में बैठा हुआ पहाड़ों में, धुंध चल रही है सामने, मतलब पिक्चराइजेशन देख तू मेरा, मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ कि मैं सामने वाले को इमेजिन, हाँ मैं इस चीज में अच्छा हूँ कि मैं इमेजिन करवा दूंगा सामने वाले को पूरा सिनेरियो, पिक्चर एकदम उसके सामने। अब इमेजिन कर दू तो पहाड़ पे लेंसडाउन में टिपेंट टॉप पॉइंट है, वहां पे बैठा हुआ है, सामने पहाड़ है लंबे लंबे, बर्फ भी लगी हुई है उन पे, धुंध चल रही है, ऐसे ऐसे फॉग आ रहा है, पंछी उड़ रहे हैं, बिल्कुल शांत जगह है, कोई आसपास नहीं है, वहां बैठा हुआ है, अब इमेजिन करो। अब वहां पे सडन पहुंच गया ना भाई, मैं वहीं पहुंच गया, मैं बैठ गया, काम हो गया। तो अब मान ले वहां पे बैठे हुए हैं,
वहां पे बैठे हुए, अब ऐसी जगहों में जाकर के ना सडनली हमारा दिमाग चलता है, हम चीजों को देखते हैं। अब शोरगुल वाली सिचुएशन में चलता है, तेज चलता है और शार्प होता है। फिर क्या होता है ना, मैं तेरे को बताता हूँ एग्जैक्टली कि होता क्या है। मैंने बहुत अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया और खुद से वो किया। जब हम बहुत तेज तेज जिंदगी में चल रहे हैं, फास्ट पेस जिंदगी है शहरों में जैसे, फॉर एग्जांपल, वहां पे क्या है ना कि छोटी छोटी चीजें जिन्हें अंग्रेजी में वर्ड होता है ट्रिवियल, ट्रिवियल चीजें जो कि मतलब मामूली चीजें हैं, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होती ऐसा हमें लगता है, उनको हम देखते हैं और निकल जाते हैं आगे, ध्यान भी नहीं देते। लेकिन सडनली जब हम ऐसी जगह में जाते हैं ना जो मैंने अभी दृश्य बताया, वहां पे क्या होता है, एक पहाड़ की चोटी को भी अगर हम देख रहे हैं तो अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि यार, मतलब हम कुछ सोचते हैं यार कैसा है यार, ये पंछी उड़ रहे हैं यार, ये कैसे जा रहे होंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये सोच भी रहे होंगे कुछ, ये कैसे बने, काइंड ऑफ। हाँ, तो बेसिकली हम सोचते हैं उस चीज में, उसे कहते हैं कि हम इमेजिन कर रहे हैं या सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर चल रहा है, ठीक है, विचार चल रहे हैं। वहां पे रेट्रोस्पेक्शन भी आता है कि हम रेट्रोस्पेक्ट में पीछे की कोई चीज सोच रहे हैं, या इंट्रोस्पेक्शन भी आता है कि हम अपने आप को ही कुछ देख रहे हैं। फिर ऐसे में हमने अगर किसी चीज को अनुभव किया तो हमारे अंदर सबसे पहले आ जाती है कि हम यार इसको शेयर करें, ठीक है ना। अब मैं तेरे को बताता हूँ होता क्या एग्जैक्टली। अब हम शेयर करना चाहते हैं, मैं नाइव बंदा हूँ, मुझे, मैं आर्टिस्ट नहीं, तो मैं अपने अंदर ही देखूंगा कि यार मैं कैसे इसको एक्सप्रेस कर पाऊँ, कैसे बता पाऊँ लोगों को कि मैंने क्या देखा था और मैंने क्या अनुभव किया था बेसिकली। तो एक पेंटर होगा, वो क्या करेगा, वो उस दृश्य की पेंटिंग बनाएगा कि मैंने ऐसा देखा था। एक फोटोग्राफर क्या करेगा, फट से अपना कैमरा निकालेगा, शूट करेगा, उसके लिए ज्यादा आसान है कैप्चर लेना, वो क्या उसके लिए आसान है ज्यादा, पेंटिंग करना थोड़ा मुश्किल है, फोटोग्राफर के लिए आसान, वो शूट करेगा कि मैंने ये देखा था। अब वहां पे एक ऐसा इंसान बैठा है जो कि जिसका आर्टिक एंडेवर है कि वो राइटिंग के थ्रू ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता, फॉर एग्जाम्पल तू है, तो अब तू जो है क्या करेगा कि तू उसको शब्दों में उतारेगा, तूने शब्दों में उतार दिया। तो ये अलग अलग हमारे मीडियम्स हैं कि हम अलग अलग मीडियम आउटलेट्स चुनते हैं। एक ने लिख के बताया कि मैंने क्या अनुभव किया, एक ने देख के बताया मैंने क्या अनुभव किया, दूसरे ने फोटो खींच ली उसके थ्रू बताया, और भी बाकी अलग अलग चीजें होती होंगी, तो होती होंगी, स्टोरी टेलिंग होती है, तो किसी ने स्टोरी टेलिंग के मीडियम से बताया कि भाई ऐसा 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 हो रहा था, मैं वो रास्ते पे गया था, उस वहां तक पहुंचते हुए मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये देखा, ये दुकान थी, ये था, ये बूढ़े बाबा वहां देखे थे, पूरी कहानी, ठीक है ना। तो ये होता है, अब ये हर किसी में होता है। कुछ लोग हैं जो कि उस अर्ज को दबा देते हैं एक सेट टेम्पलेट में रहने के लिए, दबा देते हैं बिल्कुल, नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो बागी होते हैं, ठीक है ना, जो कहते हैं कि नहीं भाई हम जी नहीं पाएंगे, बेसिकली खत्म हो जाएंगे, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं खत्म हो जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं मेरे को करना ही है एक्सप्रेस, मैं करूंगा। बहुत होते हैं एक ही मीडियम पे करते हैं, बहुत होते हैं जो मल्टी डायमेंशनली करते हैं कि वो फोटो भी खींच लेते हैं, लिख भी लेते हैं। अब मैं बेसिकली अपनी बात कर रहा हूँ, टैलेंटेड हो, मजे ले रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। जो अलग अलग, अब कुछ लोग हैं, मैं किसी को जानता हूँ, वो क्या है कि वो लिखती भी अच्छा है, कोई लड़की है वो लिखती भी अच्छा है, फोटोग्राफर है, और प्लस पेंटिंग उनकी खतरनाक लेवल की है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं पेंटिंग में, मुझे ना दो पेंटिंग आती है बस, मैंने पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे, दो पेंटिंग आती है, कुछ बनाना ड्रॉ करना, दो चीजें। एक आता है पेड़ बनाना, जो पेड़ हमने बचपन में ड्रॉइंग में सीखा था, वो ऐसे ऐसे किया, फिर यूं यूं उसके लट्टे बनाई, पेड़ बनाना। और दूसरा आता है सीनरी बनाना, वो तुझे पता होगा कौन सी सीनरी होती है, वो बचपन से वही सीनरी है जो कभी नहीं बदली, रियलिटी में कभी नहीं बदली, वो एक पहाड़ बीच में से नदी, घर यहाँ पे भाई हूँ ये। हाँ। मैं बचपन में ना ड्राइंग के सब्जेक्ट में क्लास में पिटा हूँ, वो भी प्रिंसिपल से, और ये मैं कलर करके नहीं ले गया था इसी पेंटिंग में। हाँ, और मेरा ये था कि जब भी कुछ पेंटिंग का सीनरी का आता था ना, कि जब भी चॉइस आ जाती थी कुछ बनाओ, तो मैंने सीनरी बना दी थी, और यही सीनरी होती थी, ऐसे ऐसे पहाड़ बनाए, एक ऐसे सूरज बनाया, सूरज की ऐसे रेस बनाई, एक हट होगी जो ऐसे करके होगी, उसमें एक खिड़की होगी, एक दरवाजा होगा, एक ही खिड़की होगी, एक नदी जा रही होगी, और दो चार ऐसे ऐसे करके वी शेप में पंछी होंगे। ऐसा है मेरी पेंटिंग का। लेकिन मैं जिस लड़की की बात बता रहा हूँ, जिस लेडी की बात बता रहा हूँ, वो तीनों फॉर्मेट में, अरे भाई है, फोटोग्राफी पेंटिंग भी, पेंटिंग बहुत
डा विंची पुराने डा विंची के डा विंची इटालियन लियोनार्डो डा विंची नाम है शायद। हां लियोनार्डो डा विंची। एक मिनट रुक जा यार, मैं गलत नहीं बोलना चाहता। वही है, एक बार वही है। लियोनार्डो डिकैप्रियो तो हॉलीवुड एक्टर हो गया। वो तो गजब है भाई। हाँ, अब लियोनार्डो डा विंची मैंने डाला ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो पेंटर भी थे, ड्रॉट्समैन थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, स्कल्पचर थे, आर्किटेक्ट थे। अब तू लगा ले वो किस लेवल का उनका आर्टिस्टिक एंडेवर था कि वो कहाँ जाकर के सोचते थे। बंदा पेंटिंग भी कर रहा है, लिख भी रहा है, स्कल्पचर भी बना रहा है, आर्किटेक्चर भी है, आर्किटेक्ट भी है, अलग अलग मीडियम से कर रहा है। तो अब बाकी उसी क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से। कौन सा क्वेश्चन था कि कैसे देखता है? तो अब देखता क्या है, अब देखने पे आते हैं कि नजरिया का क्या है। सबसे पहले होता है कि परसेप्शन की तूने जैसे बात की थी, तो परसेप्शन से पहले एक चीज आती है, वो होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ कि हम क्या बिलीफ है हमारा, हम क्या मानते हैं, उस बिलीफ से परसेप्शन बनता है। परसेप्शन होता है बेसिकली कि हम किसी भी एक दृश्य को, किसी इंसान को क्या मीनिंग बना लेते हैं। हाँ, क्या मीनिंग कर लेते हैं, ओपिनियन क्रिएट करना, क्या कैसे देखते हैं, परसेप्शन होता है। परसेप्शन से फिर फर्दर अगर आगे जाए, परसेप्शन से बनता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव होता है पॉइंट ऑफ व्यू, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है कि मैं मानता हूँ कि एक्स एक्स काम करने वाले लोग अच्छे होते हैं, मेरा बिलीफ है। बिलीफ से मेरा एक परसेप्शन बन गया कि मैं जैसे इसी चीज को देखूंगा मैं ऐसा फील करूंगा कि ये अच्छा है ये बुरा है। उस परसेप्शन से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फर्दर बन गया, भाई ये तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिस्ट का क्या है कि वो हर चीज में ऐसे देखता है कि मैं एक्सप्रेस कैसे कर सकूं खुद को। और एक आर्टिस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि वो अपने आप को सबसे ट्रूएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। सेल्फ एक्सप्रेशन जो वर्ड है, राइट वर्ड वो ये है कि सेल्फ एक्सप्रेशन इस तरीके का हो कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट रह करके जो फील कर रहे हो उसको आप उतार सको। पेपर पे उतारना है पेपर पे उतारो, कैनवस पे उतारना है कैनवस पे उतारो, फोटोग्राफ में उतारना है फोटोग्राफ पे उतारो, म्यूजिक उतार दो, शेयर कर दो, उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत है और आज तो बहुत ज्यादा जरूरत है। आज अकलमंद लोगों ने जो गंद फैला हुआ है ना हर जगह, उससे ज्यादा बेटर उससे ज्यादा जरूरी है कि आर्टिस्ट एक लाइन थी, एवरीवन इज अ आर्टिस्ट, ठीक है। लेकिन सक्सेसफुल हर कोई नहीं हो पाता, ठीक है। आज के टाइम पे एवरीवन इज सक्सेसफुल पर आर्टिस्ट कोई नहीं हो पाता। दोनों अलग अलग चीजें हो गई है। आजकल के लोग सक्सेसफुल है पर वो आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब तुमने पूछेगा तुम क्या है, किसी के गानों पे इफ यू आर क्रिएटिंग रील, तो बनाया तो किसी और ने है ना गाना। अलग है कुछ चीजें, कुछ को है कुछ इलॉजिकल सोच चल जाते हैं आजकल। इलॉजिकल क्या बताऊं, कॉन्सेप्ट अलग ही लेवल के भाई, अलग कैंडी कॉम्बो भाई साहब जो है। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि फिर ऐसा जो करते हैं वो अपने आप को आर्टिस्ट भी कहते हैं। हाँ मैंने देखा आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट का मतलब होता है, आर्टिस्ट का क्लियर का डेफिनेशन है कि वो बंदा जो कि आर्ट को क्रिएट करता है अलग अलग मीडियम के थ्रू। तो भाई आप कौन सी आर्ट क्रिएट कर रहे हो? म्यूजिक किसी और ने बना रखा है, गाना जो एक तू एक बंदू एक इंसान है, तू आर्टिस्ट है, तू फोटोग्राफी वगैरह करता है, लेकिन तू अपने मुंह से ये कहने में भी कर डरेगा कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, सिनेमेटोग्राफर, आई एम एन आर्टिस्ट। सही कह रहा है, ठीक है। जो रियलिटी में उतर के कर रहा होगा वो हमेशा डाउटफुल रहेगा। वैसे भी तेरा काम तेरी पहचान होना चाहिए, तेरी पहचान तेरा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक काम से पहचान बनी, एक लेवल के बाद तेरी पहचान हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में यू आर एन आर्टिस्ट, नॉट मेकिंग।